नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्या न्यूज टीवी। नित्या न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की ओर। मैं आपके साथ विनोद कुमार। गया जिला के शेरघाटी शहर में व्यवहार न्यायालय में शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार ने शेरघाटी व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यवहार न्यायालय के विधि व्यवस्था को रिमार्क करने का आदेश दिया गया। वरीय अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी DSP गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि शेरघाटी व्यवहार न्यायालय में 2 दिसंबर से सेशन कोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। इससे जिला न्यायाधीश जितेंद्र कुमार द्वारा शेरघाटी न्यायालय के कार्यालय में सभी पदाधिकारी एवं अधिवक्ताओं के बीच हर्ष ध्वनि के साथ सूचित किया गया कि अनुमंडल में निवास करने वाले लोगों को इससे दूर दराज के ग्रामीण गरीब किसान एवं मजदूर के साथ साथ न्याय प्रणाली व्यवस्था कायम हो जाएगी, जो भविष्य में शेरघाटी को पूर्व जिला का दर्जा प्राप्त होने की ओर एक संकेत माना जा रहा है। गया जिला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। गया जिला के सत्र न्यायाधीश जो जज साहब आए, क्या बात हुई जी? देखिए, ऐसा है कि आज श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय का आगमन पूर्व से ही निर्धारित था और लगभग वो दोपहर में 12 बजे के लगभग वो पहुँचे यहाँ और सभी क्षेत्रों का, सभी अधिकारियों के साथ, सभी संबंधित क्षेत्र का जो हमारे न्यायालय से संबंधित है शेरघाटी में, उसका उन्होंने भ्रमण किया और जायजा लिया। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य था कि इस बात की सूचना दिया जाए कि यहाँ पूर्व से ही भवन जो है अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के लिए बन करके तैयार है और काफ़ी दिनों से लंबित था। तो उनके द्वारा ये सूचित किया गया। हर्षोल्लास की ध्वनि के बीच सभी अधिवक्ताओं के बीच और सभी कर्मचारियों के बीच, अभियोजन कार्यालय के बीच, कि दिनांक 2 दिसंबर को उस कार्यालय का उद्घाटन होगा। हालांकि उनके द्वारा यह नहीं बताया गया कि अभी किस न्यायाधीश का यहाँ चयन हुआ है और वो यहाँ बैठेंगे। इसके अतिरिक्त इस बात की खुशी भी है कि कम से कम ये इतना बड़ा अनुमंडल जहाँ दुख गरीब लोग, लुटुआ, डुमरिया, मैगरा, कहाँ कहाँ दूर से, कोठी से 100 किलोमीटर दूर गया जाते हैं, उनकी ये समस्या का समाधान हो जाएगा कि यहीं अपील, रिवीजन और अन्य प्रकार के उच्च स्तर के न्यायिक कार्य यहीं संपन्न किए जा सकते। एडीजे जस साहब बैठेंगे यहाँ जी, तो काफ़ी सुविधा होगा और ये एक तरह से ये अनुमंडल बहुत ही विकसित होगा और आगे चल के ये जिला के रूप में भी तब्दील होगा, ऐसा मेरा, मुझे अपना विश्वास लगता है। इसके अतिरिक्त माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अपने कर्मचारियों, अपने अधिकारियों के लिए आवास की कमी, कोर्ट और इजलास की कमी, रिकॉर्ड्स रूम की कमी, जो भी संबंधित कमियां उनको नज़र आ रही थी, उस पर भी आज डिबेट किया गया और मीटिंग में इन सभी बातों की उनके द्वारा जानकारी ली गई। इसी बीच संबंधित कार्यपालक अभियंता को बुलाया गया। SDO साहब के भी प्रतिनिधि उपस्थित हुए, DSP साहब के भी प्रतिनिधि, सर्किल इंस्पेक्टर वो ही उपस्थित हुए। इसी सभी बिंदुओं पर कि क्या कैसे इस चीज़ को, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट को किस तरीके से जल्दी कार्यरत किया जाए ताकि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके और सस्ता न्याय मिल सके, तो ये काम संपन्न हुआ। कब से चल होगा उसका जांच पड़ताल के निर्देश किए, भवन का है उसका माने बढ़िया साफ सुथराई रंग पूर्ण किया जाए, इसका जल्दी होगा, मैंने जल्दी चालू हो गया है ना। अपना परिचय दीजिए सर। श्रीकांत सचिव है।